वैल्यू सिस्टम के अंदर, वैल्यू सिस्टम में वाल्मीकि रामायण के अंदर जो है एक स्टोरी दे रखा था, जब रावण का वध हो गया उस टाइम पर इंद्र प्रकट हुए, और इंद्र ने जो है वो रामचंद्र जी ने इंद्र के पैर छुए, उन्होंने उसको ब्लेस करा और ये बोला कि मांगो क्या मांगते हो। अब यहां पर स्टोरी का कॉन्ट्रडिक्शन शुरू हो गया कि वाल्मीकि रामायण में कुछ और लिखा है और रामचरितमानस में कुछ और लिखा है। बट जब मैंने उसको स्टडी करा तो राम जो है रावण को मार कर विजयी खड़े हुए हैं और वो हाथ जोड़ कर हैं, और इंद्र जो कि रावण के बेटे से भी पराजित हो गया था वो वहां पर आशीर्वाद देने के जोन में है। तो उन्होंने बोला राम को कि आप मांगो क्या मांगते हो, तो राम ने बोला कि आपने अगर ये बोला है कि मांगो क्या मांगते हो तो छोटी मोटी चीज मांगने से तो कोई फायदा नहीं है, मैं आपसे ये मांगता हूं कि मेरे साथ युद्ध में जितने भी वानर ऋक्ष और बाकी लोग खड़े हुए वो सारे के सारे जीवित हो जाएं। अब वहां पर ऐसे भी लोग थे जो कुंभकर्ण के पैर के नीचे दबकर उनके पूरे शरीर की चटनी बन गई थी। तो वहां पर इंद्र ने कहा कि मेरा वचन कभी खाली नहीं जाता, और वहां पर उन्होंने संजीवनी विद्या जो है उसको प्रेषित करा। अब जब संजीवनी विद्या प्रेषित करी तो वहां पर डिस्क्रिप्शन है कि वो सारे जितने भी लोग थे जो राम की तरफ से सेना में थे वो सारे ऐसे उठकर खड़े हो गए जैसे नींद में सोया हुआ व्यक्ति जो है वो जाग गया हो, ऐसे वो आंख मलते हुए सारे खड़े हो गए। तो अब हीलिंग की डोमेन की डेफिनेशन क्या हो गई? इट इज नॉट अबाउट क्लीनिंग अ चक्र, इट इज नॉट अबाउट समथिंग टू डू विद बेसिक स्मॉल एक्टिविटीज, इट इज टू फोकस ऑन द मंत्र जिसकी एनर्जी उठाकर अगर आपने डाल दी तो वो मरा हुआ व्यक्ति भी जो है वो जागृत होकर खड़ा हो जाएगा। एंड ऑफ कोर्स उसमें एक टाइम ड्यूरेशन था, बिकॉज रामायण का पूरा युद्ध जो है वो 14 या 18 दिन का था, तो उससे हमें ये पता चलता है कि ये 13-14 दिन की जो एक्टिविटी है जिसमें हम ये 13वीं और ये सब करते हैं वो डोमेन जो है वो रिवर्स करी जा सकती है। वो पंजाब में जो है वो 17 दिन की होती है, 13वीं की बजाय 17वीं मनाते हैं। तो ये टोटल युद्ध आई बिलीव 18 दिन का था, तो 18 दिन पुराना अगर शव है तो आप उसको वापस जीवित कर सकते हैं, ये संजीवनी विद्या है। मेरा पॉइंट समझा पाया? बट ये कहा गया है कि संजीवनी जो मंत्र है इट कम फ्रॉम शुक्राचार्य। क्या चीज? संजीवनी का जो मंत्र है दैट वाज प्रैक्टिस्ड बाय शुक्राचार्य। ठीक है, हाँ ये पार्ट ठीक है बिल्कुल, पर शुक्राचार्य से बृहस्पति के बेटे ने सीखा था ना, कच्छ ने। अच्छा, मैं वो पार्ट भूल गया कि हाउ इंद्र गॉट दिस तो दीक्षा। इंद्र ने जो है वो बृहस्पति के बेटे कच्छ को जो है वो उसके यहाँ भेजा, और वो जो है वो जब शुक्राचार्य के दामाद बन गए, ही मैरिड द डॉटर, फिर उन्होंने जो है वो विद्या मांगी तो फिर उन्होंने उनको वो विद्या सिखा दी, उसके बाद वो विद्या उन्होंने इंद्र को दे दी, एंड दैट्स हाउ द बैलेंस हैपेंड। ठीक है जी, तो ये संजीवनी विद्या का बैकग्राउंड हो गया, क्योंकि कल जब हम बात कर रहे थे तो ये वाला जिक्र आया, अब तो मैंने कहा कि जो संजीवनी विद्या हमारे यहाँ, ये एक तो शिव योग वालों ने बहुत ज्यादा संजीवनी विद्या के ऊपर जोर दिया था। आई वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट, बट मैं उसमें वही तो मैं बोलूँ ना, रिलेट नहीं कर पाया कभी। हाँ तो वो तो एम रीम क्लीम या एम क्लीम सौ ऐसे करके वो मंत्र को यूज करते थे, तो मैंने जब वो मंत्र को देखा तो मैंने कहा नहीं, ये संजीवनी तो नहीं हो सकता। संजीवनी में तो अब आते हैं अपने उसमें, ओम रोम झुम सा ओम त्र्यंबकम में जामे, वही यूज जी करते थे जी उन लोग। ओम भूर्भुवस्व ओम ओम झुम सा ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो, वो वाला मंत्र यूज करते थे उन लोग। तो ये मैंने आप सब लोगों को गायत्री महामृत्युंजय मंत्र शेयर करा था। हाँ
अब हम इसी मंत्र को जो है अब हम इसी मंत्र को जो है ले लेते हैं। इसमें मैंने गायत्री का जो मंत्र लिखा है, मैं उसको गायत्री का मतलब जो बीज मंत्र होता है वो ग्यत्री होता है, त्रिय। ये गायत्री का बीज मंत्र है। सावित्री का बीज मंत्र है श्वत्री, और तीसरी डोमेन है सर्वज्ञी। अगर मैं इन तीनों डोमेन्स को जोड़ दूं तो मेरा जो टर्म बनेगा वो बनेगा ज्ञ त। ये मेरा मास्टर बीज मंत्र हो गया, जो गायत्री की तीनों फॉर्म्स को रिप्रेजेंट करता है, ज्ञ आधा ज्ञ त, षटकोण का श आधा वो। अब क्योंकि मैंने अपना प्रोसेस में वो चेंज करा तो मैंने इसको ज्ञ त श श व र बड़ी की मात्रा, फिर उसके बाद र ऊपर, ये मेरी फाइंडिंग थी। तो गायत्री मंत्र में जो ओम की बजाय बीज मंत्र आएगा वो ये वाला है, यत शुनि। शरी ये तो ठीक है, शरी। अब इसको आप स्कैन करके इसकी एनर्जी को फील करके देख लीजिए, आपको जो है ये अपने आप ही इसकी पावर फील हो जाएगी। सर इसमें कलर भी अब बदल गया है, बीच का जो हम ऐसे गौर से देखते हैं ना, तो अब कलर चेंज हो रहा है। कल मैंने अपना 2 दिन से महसूस कर रहा हूं, मैं तो डेली अपने चेंज करता हूँ। आज मैंने ये पहना तो भी वही कलर है, कल मैंने ग्रीन पहना हुआ था तब भी वही कलर था, और अब परसों ब्लू पहना था तब भी वही कलर था। आप कुछ भी पहनिए, वो कलर का उससे कोई कनेक्शन होता भी नहीं है। मेरे माइंड में ऐसा आया था क्योंकि मेरी टेबल पे ग्लास है और वो मुझे रिफ्लेक्ट करता है ऐसे। नहीं वो ठीक है, बट कलर का इस पूरे पर देखिए, आत्मा एक ऐसी डोमेन है जिसको कोई चीज नहीं टच करती। कोई आप कुछ भी खाइए, आत्मा पे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ना। आप नॉन वेजिटेरियन हो, शराबी हो, कैसा भी वो हो, इट डजेंट मैटर। ये तो बाद में जो है, जब वैष्णविज्म इंडिया में आया तो उसकी वजह से ये खाने पीने पे फर्क हो गया। और जिस कृष्ण जी की हम पूजा करते हैं, वो कृष्ण जी खुद भी नॉन वेजिटेरियन थे, खुद भी शराब पीते थे।
ऑब्वियसली वो उस समय का जो सिस्टम था, वो राजाओं वाला जो सिस्टम था उसके तौर पे। वाल्मीकि रामायण के अंदर भी एक जगह आया है कि रामचंद्र जी ने जो है वो वेडिंग नाइट पर जो है वो सीता जी को एक पत्नी का वचन दिया था और वो नॉन वेजिटेरियन वगैरह छोड़ने के लिए बोला था। तो खाते होंगे तभी तो छोड़ने के लिए बोला था ना, वो एक पत्नी वचन भी उसी टाइम पर था कि मैंने अपनी मदर को परेशान होते देखा है तो मैं इसलिए छोड़ता। तो ये तो बाद की चीज है और इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। मेन आप ऐसे समझ लीजिए, हमारे देश का कोई सा भी स्टेट उठा लीजिए, हर स्टेट के अंदर एक वॉरियर कम्युनिटी थी, जो मतलब हर हर जो एक लैंग्वेज बोलने में एक राजा था। तो सेना तो सभी जगह थी, तो जो सैनिक था वो हर कास्ट का व्यक्ति था। तो अगर सैनिक जो है वो शराब नहीं पिएगा, नॉनवेज नहीं खाएगा, तो वो युद्ध कैसे लड़ेगा? गाजर मूली खा के कोई युद्ध थोड़ी, सर थोड़ी काटे जाते हैं किसी के। तो वो तो सात्विक हो गया, वो चरवा चलाने के बदले बोलेगा हाँ, तुमको गाजर। सात्विक होके सिर्फ आप मंत्री चला सकते हो, तलवार नहीं चला सकते। तो वो तो खैर परसेप्शंस थे, बट एनीवेज वो यूज एंड मिसयूज ऑफ इंफॉर्मेशन हुआ जिसकी वजह से ये सारा पार्ट आया था। तो मैं इस वाले पार्ट में नहीं बिलीव करता, और मेरे पास उसके रीजन भी हैं। उसका एक रीजन है कि अगस्त ऋषि जब कश्मीर में गए और वहां पर जो है वो बलवल दैत्य जो था वो क्या करता था, वो साधुओं को इनवाइट करता था और अपने भाई को काट के उसका मीट जो है खाने में मिला देता था, और फिर बाद में वो अपने भाई को आवाज देता था तो वो भाई जो है वो साधुओं के पेट को फाड़ कर बाहर आता था, एंड एवरीबडी वॉज अवेयर। अब आप खुद ही सोचिए कि अगर आपके सामने दाल हो, सब्जी हो, कुछ भी हो, भोजन जो भी है, उसमें कोई नॉनवेज कैसे मिला सकता है? इट इज टेक्निकली इम्पॉसिबल टू मिक्स नॉनवेज, स्मेली बहुत होती है। अनटिल एंड अनलेस आप खुद नॉन वेजिटेरियन हो और वहां पे नॉन वेजिटेरियन स्मेल में ह्यूमन फ्लैश जो है वो अगर आप डाल देते हैं तो नहीं पता चलेगा। सिर्फ एक ही तरीका है, दाल सब्जी में अगर आपके कोई हड्डी या नॉनवेज आता है तो आप कैसे, हाउ वुड यू डिस्क्रिमिनेट? यू वोंट बी एबल टू डिस्क्रिमिनेट। पर क्योंकि वो कम्युनिटी जो कश्मीरी ब्राह्मण्स की थी वो नॉन वेजिटेरियन कम्युनिटी थी, वहां पर जो लोग रहते थे वो नॉन वेजिटेरियंस थे, नॉन वेजिटेरियंस के मीट के साथ ह्यूमन फ्लैश मिलाया गया, ओनली देन इट वॉज पॉसिबल। तो अगस्त ऋषि जो है अगर वो नॉनवेज ना खाते होते तो वो उस पूरे प्रोसेस में, तो उन्होंने वहां डिमोन्स्ट्रेट करा कि जो चीज मेरे पेट में एक दफे अंदर चली गई अब वो बाहर तो आ ही नहीं सकती, क्योंकि अगस्त का मतलब ही जो है वो अग्नि था। तो वो जठराग्नि की एक ऐसी डोमेन थी कि जो एक दफे भीतर चला गया वो तो डिसॉल्व ही हो गया, बस वो बाहर आ बस ही नहीं हो गया। सकता, वो तो खत्म। बोले किसको बुला रहा है? बोले मैं अपने भाई को बुला रहा हूँ। बोले वो तो गया। तो ऐसे करके हमारे यहाँ टेक्स्ट के वेरिएशंस को वो बोला था, अच्छा इसलिए। सर, आपने जी पिछली बार एक तो, माफ कीजिएगा, मुझे बिल्कुल लगा बिल्कुल कि आपने गायत्री मंत्र को 10 या 11 साल लगातार लिखा है, बारह शायद हाँ 12 साल, वो कुश चरण आपने पूरे किए हैं और उसके बाद आपको उसका बीज मंत्र पता चला। तो जी ये जो आपने लिखा गदस्तरी, ये जो लिखा है ये वही बीज यत्री मंत्र है नहीं, मुझे गत्री? जो जो मुझे पता चला था वो ये वाले थे, ये मुझे पता चले थे जो आफ्टर हमने ट्वेल्व लिखे हैं इयर्स। देखिए मैं इसको बताता हूं, आप लिखिए गायत्री, आप कोई चीज क्यों नहीं कर पाए और मैं क्यों कर पाया, मैं वो दोनों फर्क बताता हूँ। हमने लिखा गायत्री, यहाँ पर हाँ लिखा गायत्री के जो आपने। अल्फाबेट थे उसमें ग और य से बना गया और त्री एज इट इज आ गया, हाँ ये बन गया गायत्री। अब मजे की बात देखिए कि किसी ने ग और य को ग्या लिखा, और ये जितने भी आर्य समाजी हैं वो ज और य को क्या लिखते हैं? लेकिन अभी तो सर आपको आर्य समाज को मेरे सामने कम से कम टोंट मारना छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं अभी अपने वो ब्राह्मणत्व में घुसना चाह रहा हूँ थोड़ा थोड़ा सा। आप सर मुझे जी बार देखो ऐसा है, बार अगर आप, अच्छा मैं इसके लिए भी एक स्टोरी पहले सुनाता हूँ। एक मेरे पास बंदा आया जिसने मुझे सबसे पहले मंत्र चिकित्सा का डेमोन्स्ट्रेशन दिया, वो शिव योग से था। तो जब मेरी उससे बात चल रही थी तो बात करते करते उसने मुझे बोला कि आप तो मतलब हर चीज में कमियां देखते रहते हो, आपकी तो नजर में दृष्टि दोष है और मैं चाहूं भी तो आपका कोई भला नहीं कर सकता था।
और मेरे से वो 5 6 साल छोटा था। मैंने कहा जी उसने क्या करा था, जैसे हम एक को रिकमेंड कर देते हैं, उसने जो है वो क्या बोला कि वो मेरे जीजा जी के यहाँ गया था, तो उसने जो है वहां पर पैसे मांग लिए, और पैसे मांगते मांगते जो है उसने इस तरीके से भी करा कि उसने थोड़े प्रेशर टैक्टिक्स यूज करे। तो मेरे जीजा जी का फोन आया, वो बड़े सेंसिटिव से हैं, वो डर गए कहीं कोई मंत्र वगैरह की वजह से मेरे को कोई दिक्कत ना हो। तो जब ये वाला पार्ट आया तो जब ये वाला पार्ट हुआ तो उनका मुझे फोन आया कि भाई वो ऐसे ऐसे करके प्रेशर बना रहा है, क्या करना चाहिए। आई सेड आप उसे छोड़ो, मैं बात करता हूँ। तो मैंने कस के उस बंदे की क्लास ले ली। जब क्लास ली तो उसने मुझे बोला कि देखो शुक्ला जी, ऐसा है मैं आपको बहुत संभालने की कोशिश कर रहा हूँ, पर आपकी जो ये दोष परक वो है कि हर चीज में आप दोष देखते हो, ये आपको जो है वो बर्बादी कर देगा और मैं संभाल भी नहीं पाऊंगा, तो आज से मैं आपको छोड़ रहा हूँ। मैं, तू बड़ा भगवान है जो मुझे छोड़ रहा, चल दफा हो। उसको तो बाहर करा मैंने। उसके बाद अच्छा उस टाइम पे मैं गाड़ी चलाकर जा रहा था गोल्डन टेम्पल अमृतसर, तो मैं सीधे अपना 8 9 घंटे का ड्राइव था, मैं अमृतसर पहुंचा रात को। हम लोग अमृतसर में गोल्डन टेम्पल वाली जो लाइन लगती है, हरिमंदर साहब कहते हैं उस जगह को, तो मैं हाँ वहां हरमिंदर। जाकर जब उसमें लाइन में चल रहा था तो सामने स्क्रीन पर जो है वो गुरुवाणी चल रही थी टीवी के ऊपर। तो एक तो वो गुरुवाणी इंग्लिश में लिखी हुई थी और एक वो जो गुरुवाणी की जो कोर लैंग्वेज है उसमें लिखा हुआ था। तो वहां पे सारे जितने भी मंत्र थे गुरुवाणी के जो मैं रिकग्नाइज कर पा रहा था, उसमें सब में दुर्गा ब्रह्मा शिव विष्णु यही सब लिखा हुआ था। अनफॉर्चुनेट पार्ट इज कि जहां कहीं भी वो कीर्तन और वो सब करते थे उसमें वो उनमें से कोई भी मंत्र को यूज नहीं करते थे जिसमें कि हिंदू धर्म के डाइटीज का डिस्क्रिप्शन था। जब ये वाला पार्ट हुआ तो आई रियलाइज कि यहाँ पर कुछ गुफअप है। तो मेरी तो नजर ही वैसी थी। अब मैं गया और फिर मैंने गुरु ग्रंथ साहिब की परिक्रमा करी, परिक्रमा करके माथा टेका और रात को आके होटल रूम लेके उसमें सो गया। और रात को जब मेरे को बेचैनी सी हुई और मैं उठ के बैठी, अब मैं बार बार उस व्यक्ति की बात सोच रहा कि यार तेरी कमियां देखने की आदत है, तेरी कमियां देखने की आदत है और अब तू कभी नहीं डेवलप हो पाएगा और ये वो करके, वो मेरे दिमाग में एक सबकॉन्शियस में एक फियर किसी ने ट्रिगर करा था। तो बार बार मैं कह रहा था कि मैं कमियां देख रहा हूँ, कमियां देख रहा हूँ। फिर वो मेरी अंदर की आवाज जो है वो बोली, तो बोले भाई तू कमियां नहीं देखेगा तो कौन कमियां देखेगा। मैंने कहा क्यों, तो बोले तू स्वयं औषधि है और औषधि का काम है कमियों को देखना और कमियां को रिमूव करना। अब देखिए ये इतना बड़ा मैसेज मुझे मेरी अंदर की आवाज ही दे रही थी। देर वॉज अ वेरी क्लियर डायलॉग विच हैपेंड दैट नाइट इटसेल्फ एंड दैट चेंज माई लाइफ, कंप्लीटली चेंज माई लाइफ। मंत्र चिकित्सा में मैं उसके बाद में आया हूं, तब तक मुझे मंत्र चिकित्सा की डोमेन भी नहीं पता थी। उस बंदे से तो मैंने पहली बार वो मंत्र चिकित्सा देखी तो वो शिव योग का था। तो शिव योग का कंट्रीब्यूशन में कोई कमी नहीं है, जबकि शिव योग के जो हेड जो थे वो जो है वो सरदार थे और बाई क्वालिफिकेशन बीटेक थे। नहीं तो सीडियो के हेड वो सरदार नहीं है, वो तो रात्रा जी हैं, राजस्थान वाले जट जट हैं। वो जो उनका नाम है लाल कपड़े पहन के जो हस्बैंड वाइफ, हाँ, उनका नाम राजेंद्र रात्रा। मैं तो उनके साथ काफी जुड़ा हुआ था, मैं तो बता रहा हूँ ना आपको। मेरे को तो बाद में व्हेन दे बिकम टू कमर्शियलाइज्ड आई सेड इट इज नॉट माय डोमेन, बिकॉज क्या है वो इनिशियल व्हाट दे स्टार्टेड एंड व्हाट दे एंडेड अप पोस्ट डिसास्टर। वो तो अभी अमेरिका में सेटल हो गए ना, सैन हाँ, फ्रांसिस्को। वो मेरे पास भी बीच में आई थी खबर कि वो बॉम्बे में अपना इलाज कराने के लिए आए, उनके पैर जो हैं वो बहुत सूज गए और वो उनका कहीं इलाज नहीं हो सर पाया। नहीं सर, उनको काफी है, उनको हार्ट अटैक वाला प्रॉब्लम आ गया था, सब बहुत सब हेल्थ इश्यूज खुद आ गया था। मैं बाद में मेरे को मेरा मैंने पूछा, जो आदमी दूसरों को हील करता खुद को अपने को हील नहीं कर सकता है क्या? मैं ऐसे ही पूछा किसी से, भड़क गए मेरे ऊपर। मैं बोला आई एम आस्किंग अ लॉजिकल क्वेश्चन, जो बोलता मैं दुनिया को हील कर सकता हूँ अपने को भी हील कर सकते हैं, व्हाई डज ही हैव टू गो टू
एलोपैथिक डॉक्टर टू गेट इट डन। तो मैं तो ऑर्गेनाइजर के तौर पे काम करता था, तो मेरे को काफी इनसाइड इंफॉर्मेशन जब मालूम हुआ, देन आई सेड दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी, मैं इसका साथ दे नहीं सकता बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू बी पार्ट ऑफ दिस होल स्टफ। नहीं, वो बिल्कुल, वो मतलब मेरे को जो पता चला था वो ये था कि वो सरदार है फैमिली। सरदार नहीं है वो, आई थिंक राजेंद्र रात्रा इज फ्रॉम राजस्थान, आई थिंक इट्स फ्रॉम जाट थे बेसिकली रात्रा, आई डोंट नो वेदर दे आर रियल पंजाबी और प्रोबेबली मिक्स्ड ऑफ आर्या मतलब पंजाबी जो वो आर्या पंजाबी पंजाबी जो पंजाबी जाट हो सकते हैं, मतलब वो हरियाणा हरियाणा में भी जाट होते हैं वो। मतलब कि मेरे को ये पता चला था कि वो सिख कम्युनिटी से वो कन्वर्ट हुए थे एक तरीके से, ऐसे मान सकते हैं हम। हाँ एनीवेज, दैट्स नॉट द पॉइंट ऑफ डिबेट। जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि मैंने पहला जो चिंतन अपने भीतर जागृत करा वो था औषधि का। औषधि जो है वो वहीं जाकर काम करती है। आप कोई भी दवाई लीजिए, आप मुंह में ही डालते हैं, बट वो सरदर्द में भी काम करती है, पेट दर्द में करती है, हाथों के दर्द को भी ठीक करती है। वो कहीं भी जहां उसको जाना है वो वहीं जाएगी। तो जाने से पहले उसके अंदर एक डोमेन आइडेंटिफिकेशन होता है। वो डोमेन आइडेंटिफिकेशन क्या करता है, वो डोमेन आइडेंटिफिकेशन कि कहाँ कहाँ कितने एरिया में पेन पॉइंट है, उस पेन पॉइंट को वो वहां से हटाता है। ये हमारा अप्रोच होना चाहिए, चिकित्सक की अप्रोच की बात कर रहा हूँ। अगर आप सामाजिक रूप से किसी भी चीज में कमी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तो आप रिजॉल्व कैसे करोगे, ये मेरा पॉइंट है। तो इसलिए मेरे को तो आप थोड़ी देर के लिए अपवाद मान लो कि हाँ भाई, मेरा वो आर्य समाज और उस सबसे कोई मतलब नहीं है। मेरा मतलब सिर्फ ये है कि आप क्या चीज कर रहे हो जिसकी वजह से आप नहीं ढूंढ पाए। मैं गायत्री को इसलिए ढूंढ पाया क्योंकि मैं ग और या से ग्या बना रहा था। मैं अगर वो ज और या की वजह से होता तो ये ग्यत्री बीज मेरे सामने प्रकट ही नहीं होता। जी, तो गत्री प्रकट हुआ आपके सामने। गायत्री बीज मंत्र मेरे सामने प्रकट हुआ। फिर गायत्री के बाद गायत्री जो है वो तीन फॉर्म में होती है, कहीं पांच फॉर्म में भी होती है। तो जो आप ये फोटो देखेंगे, ये फोटो भी आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा जो मैंने गायत्री मंत्र में गायत्री का शेयर करा। वो हाँ, वो मैं सेकंड यूनिकनेस देख रिवील, रहा था। वो एक्चुअली मेरा पहला रिविलेशन था कि जब मैंने शुरू करा था तो मेरे गुरुजी बोले कि गायत्री जो है वो है जो हंस के ऊपर विराजमान है और जिसकी चार भुजाएं हैं, और चारों भुजाओं में पुस्तक, पुष्प, कमंडल और माला, ये चार चीजें आती हैं। तो जब मैंने वो चार चीजें देखी तो एक दूसरे व्यक्ति थे जो मेरे गुरुजी के जानकार थे, तो उन्होंने पूछा क्या बताया भाई तेरे गुरुजी ने। मैंने कहा मुझे गुरुजी ने ये बताया कि जब पानी दे देना उधर से, वो गायत्री जो है वो उसके चार भुजाएं हैं, लाल रंग की साड़ी पहनी है, उगते सूरज में विराजमान है और हंस, ओ सॉरी, उगते सूरज से उसके बैकग्राउंड में है और हंस के ऊपर विराजमान है। बोले अच्छा, अच्छी चीजें बताई हैं तेरे गुरुजी ने, अब सुन आगे की कहानी। मैंने कहा जी आगे की क्या कहानी है। बोले पहली चीज, गायत्री ने जो उगता सूरज है, बोले वो उगते सूरज का कारण है। अच्छा, गायत्री उगते सूरज का कारण है। हाँ, सूरज उग रहा है तो गायत्री की वजह से। तो यही बोलिए, तो ये जो पार्ट हुआ तो दैट वाज आई ओपनर। फिर बोले ये पुस्तक, पुष्प, कमंडल, माला जो है ये सिर्फ दिखाने के लिए है, एक्चुअली ये पंच तत्व है। पुस्तक ज्ञान का प्रतीक है और वो आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि ज्ञान आकाश तत्व में होता है। पुष्प जो है वो दो तत्व वो रिप्रेजेंट करता है, अर्थ एंड फायर। क्योंकि पुष्प जमीन पे लगता है और जब खिलता है तो वो खिला हुआ पुष्प जो है वो अग्नि के समान लगता है। वो सेकंड उन्होंने पॉइंट बोला, पुस्तक, पुष्प, कमंडल जो है वो जल का रिप्रेजेंटेशन है, माला जो है वो वायु का रिप्रेजेंटेशन है जो चलती रहती है लगातार। तो ये उन्होंने मुझे सेकंड चीज बताई कि ये गायत्री को इस प्रकार, तो गुरुजी ने बताया गायत्री को कैसे ध्यान करना है और उन्होंने बताया कि ये रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है। फिर तीसरे पार्ट में उन्होंने बोला कि हमेशा कुशा का आसन बिछाना और उसके बाद जो है वो कहीं भी जाओगे आप तो उस पर बैठ कर ही अपना वो करना, जाप जो भी करोगे। तो मैंने 12 साल आसन को हाथ में लेकर चला हूं, मतलब मैं कहीं भी गया हूं तो मेरे
समान में मेरा आसन रहा, एक चीज। फिर बोले कि एक कुशा जो है अगर हाथ में है तो कुशा एक ही दिन उखाड़ी जाती है, जिसको कुशोत्पाटनी अमावस्या कहते हैं। उस एक दिन उखाड़ी हुई कुशा जो है वो साल भर तक जागृत रहती है। तो मैंने फिर कुशा को जो है उसी दिन जाता था उखाड़ने के लिए, तो पहले आइडेंटिफाई करता था कहां पर कुशा है, फिर उसको उखाड़ता था, फिर उसको साफ करता था, फिर उसको कलावे में लपेट कर। तो पहले तो 108 कुशा मैंने हाथ में पकड़ी, फिर मैंने कहा जब पकड़नी है तो 108 क्यों पकड़ो, 1008 पकड़ लो, क्योंकि अगर एक कुशा को पकड़ने का एक मंत्र का फल मिलता है तो 1000 में मैं एक बार जब जाप करूंगा तो मुझे 1000 यानी 10 माला का फल मिलेगा। तो ऐसे करके मैंने वो अपना बाल बुद्धि कही जैसे मर्जी कही है, मैंने उस प्रकार उतनी कुशा को उतने साल तक होल्ड करा। मैं फ्लाइट में जाऊं, 12 वर्ष, साल तक 12 वर्ष तक। तो जब ऐसा प्रक्रिया चलती रही तो जब वो 12 साल पूरे हुए तो मेरे को जो है ये गायत्री मंत्र का बीज मंत्र पता चला। मेरी क्वेरी ये थी कि गायत्री मंत्र में बीज मंत्र क्या है, क्योंकि मुझे ये तो पता ही था कि ओम नहीं है, तो क्या चीज है जो एक्चुअल बीज मंत्र है। तब जब गायत्री पता चली, अब इसका यूनिक पार्ट बताता हूं, आप कोई सी भी किताब खोलिए उसमें क्या लिखा है, ये विष्णु गायत्री है, ये लक्ष्मी गायत्री है, ये नरसिंह गायत्री है, ये वाराह गायत्री है, ऐसे करके सारे गायत्री लिखे हुए। आपके पास नहीं हो तो मैं कम से कम 100 गायत्री का तो डिस्क्रिप्शन आपको दे दूंगा। तो मैंने कहा इतनी वेरिएशन कैसे पॉसिबल है। तो मुझे पता चला कि ये जो वेरिएशन जो है वो एक्चुअली टर्म ज्ञ में ही छिपी हुई है। ज्ञ से टर्म होता है ज्ञान, और ज्ञ से ही टर्म बनता है ज्ञात। तो गायत्री का अर्थ है ज्ञात अवस्था, और ज्ञात अवस्था जो है उसको लिखना इस बात का प्रेरणा सूचक है कि आप कभी भी किसी भी देवता को जान नहीं सकते। आज तक किसी भी व्यक्ति ने जब भी कभी उस शक्ति के साथ साक्षात्कार करा तो उसने गायत्री को इसलिए ध्यान करा क्योंकि उसने उस ज्ञात अवस्था को अपने भीतर जागृत करके और इवॉल्व करने की बात रखी। जी क्योंकि मेरे लिए तो हर चीज एक कॉन्स्पिरेसी है। ज्ञ टर्म आया और किसी ने उसको ज और या करा, जबकि प्रोनंसिएशन में जो है वो ज्ञ ही है, ग और या से ही ज्ञ बनता है, बट किसी ने उसको ज और या कर दिया। मैं अनजान, पता नहीं क्या अजीब से तरीके से बोला जाता है वो। तो देन आई रियलाइज कि कोई हमारे ग्रंथों में छेड़छाड़ कर रहा। अगर मैं ये ज्ञ में ही अटका रहता तो मैं ये गायत्री से नहीं कनेक्ट हो पाता। तो ये चीज ज्ञा को कैसे अलग तरह से उच्चारित करना है, ये तो सब जगह आर्य समाज नहीं करा ना, किसी और ने तो करा नहीं। और आर्य समाज कोई छोटी संस्था थोड़ी, 28,000 करोड़ की संस्था है। आई थिंक इतना रेवेन्यू तो उनका हर साल इकट्ठा होता है। नहीं, वो उसके सिस्टम में एकदम से अलग वो है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना था, वो भी जस्ट किडिंग के रूप में, कि भाई मैं, मेरे पिताजी ने आर्य समाज को चुना और मैं उनके परिवार में पैदा हो गया, तो वो बाई बर्थ तो मुझे मिला नहीं, बाई बर्थ तो मैं ब्राह्मण था। वहां का जो एनवायरमेंट था उसने मुझे उस तरीके से ले लेके चला गया। अब उम्र के 49 साल में आप मुझे मिले, या तो आप मुझे मिलने चाहिए थे जब जब आप भी ये कुशा वाला पोर्शन, अभी मैं हंस इसलिए रहा था शुक्ला जी कि मेरे बैग में स्टेटिस्कोप, आरोग्य वर्धन की बट्टी की जगह तो ये मैंने श्रीम के मंत्र ये रख दिए। अब ये थोड़े से ये कुशाग्नि ये पूछूंगा अमावस्या किस दिन है, उस दिन कुशा ला के लपेटूंगा, उसे भी रखना शुरू करूंगा, तो वो कैसे जिया जाए इसे, इसलिए देखिए, मैं तो एक एक बात तो आप पूछना हमेशा से चाह रहा। समझ लीजिए, हमारे जो धर्म ग्रंथ है ना वो एक मार्गदर्शन का काम करते हैं। हमारे यहाँ एक कैरेक्टर हुए प्रहलाद, तो प्रहलाद जो है वो हिरण्यकश्यप के घर में पैदा हुए, ठीक है। तो जब जब उनके पिता ही उनको मारने का प्रयास करते, और वो थे असुर, प्रहलाद जो है वो असुर थे,
जब जब उनके, और वो जो है नारद जी ने देखा कि ये जो है ये असुर तो किसी तरह से कंट्रोल में नहीं आ रहा, तो उन्होंने कहा अच्छा इसकी सत्ता पलटनी है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके बेटे को ही विष्णु भक्त बना दो। तो वो जो है वो किसी भी जगह प्रकट हो जाते थे, उनको कोई रोक टोक तो थी नहीं। तो उन्होंने क्या करा, हिरण्यकश्यप की वाइफ जो थी वो किसी बात पे जो है उसके और उसके पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो गया, उन्होंने उसे निकाल दिया। तो वो एक ऋषि आश्रम में चली गई रहने के लिए। तो वहां पर जो है वो जितने भी ऋषि थे वो जो ऋषि जो थे उनके आश्रम में उन्होंने गए और प्रकट होके बार बार जो है एक एक मंत्र उस महिला को बताते रहते। तो गर्भकाल में उस महिला ने जो है उस मंत्र को जपा और करती गई, धीरे धीरे करते करते जो है वो संतान हुई। फिर वो जब संतान हो गई तो फिर उसके जितने भी संस्कार का टाइम था तो भी उन्होंने जो है वो ही मंत्र बोलने शुरू करे विष्णु जी वाले। नेट इम्पैक्ट ये पड़ा कि पूरा सिस्टम जो है जब वो बालक 7 से 9 वर्ष का हुआ तब वो पूरा का पूरा जो है वो विष्णुमय हो चुका था, क्योंकि उसने उस मंत्र को उतनी बार सुना। तो वहां से मुझे दो चीजें समझ में आई, पिता की जो भी डोमेन हो उसके जो भी संस्कार हो आप कोई भी चीज पलट सकते हो, ठीक है। और एक ऐसा अस्तित्व है, एक ऐसी शक्ति है जो अगर आपके पिता भी खुद आपको मारना चाहे तो आपकी रक्षा करती है। प्रहलाद नहीं, सॉरी, ये नरसिंह अवतार की स्टोरी थी। हाँ, वो पहले प्रहलाद ही है, तभी उसने तो मतलब मुझे ये रियलाइज हुआ कि जब नरसिंह अवतार बोला कि हाँ भाई कण कण में भगवान है, बोले हाँ है, तो बोले इस खंभे में भी है, बोले हाँ, तो चल अभी देखता हूँ तेरे खंभे में नहीं है तो तेरा ही सर काटूंगा आज मैं। जैसे ही उन्होंने खंभा काटा, वो काटने का प्रयास करा, अंदर से नरसिंह अवतार आए। सो एंड ऑफ द डे व्हाट आई रियलाइज कि कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो हमारे थॉट प्रोसेस में उसका डिस्क्रिप्शन या उसका एक्टिवेशन इन्वोकेशन होना ये पॉसिबल नहीं है, बट जो लोग उस प्रक्रिया से सोचते हैं तभी वो चीज उनके सामने आती है। आपके सामने मैं इसलिए आया क्योंकि आप खुद भी अपने घर में रिबेल के जैसे हो गए। आप कभी भी उस तरीके से नहीं हो गए कि एक हम जैसे बोले रिबेल के जैसे हो गए, क्योंकि मेरे को तो वही जान सकता है अच्छी तरीके से जो खुद रिबेल हो, क्योंकि मैं कोई भी नियम कायदा जो है मैं फॉलो ही नहीं करता। तो मैं किसी और को कैसे कह दूं कि हाँ भाई आप नियम से चलो, नियम से ज्ञान मिलता है? नियम से ज्ञान तो नहीं मिलता, ये तो गारंटी है मेरी। और मुझे आज तक अभी तक कोई व्यक्ति ऐसा नहीं टकराया जो नियम से वो ज्ञान उठा पाया जो मैं बात कर रहा हूं। बट मेरा मकसद जो है वही अपने आप में जो है मेरा रास्ता बना रहा है। और वो मैंने जब देखा ये गायत्री के हिसाब से, ये पहला पार्ट हो गया जो मैंने गायत्री में देखा। और क्यों, तो किसी भी मंत्र का जो बीज मंत्र हम बनाते हैं वो उस देवी के या देवता के नाम से बनाते हैं, और उसके आगे ज्ञत लिखने से वो उसकी प्रकट और अप्रकट डोमेन के हिसाब से है। अब इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट समझिए। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट इसका ये है, जब आप ये बोलते हैं अरे गौरव शुक्ला हाँ मैं जानता हूँ उसे अच्छी तरह से, क्या काम करवाना बोले, अरे मैं बोल दूंगा एक दफे में वो काम हो जाएगा, वो काम होगा या नहीं होगा ये मेरे को डिसाइड करना है। तो जब आप कहते हैं मैं जानता हूं, तो मुझे तो आप तब जानेंगे ना जब आप अपने आप को जानते होंगे। तो यहां पर जानना जो है वो एक छिपा हुआ ज्ञान है जिसको प्रकट करा गया, कि कभी भी कोई भी व्यक्ति किसी भी शक्ति को सिर्फ उतना जान पाता है जितना वो अपने आप को जानता है। जब वो अपनी डोमेन को पूरी तरह से टच कर पाता है तभी वो दूसरे को जान सकता है। तो जब तक मैं मेरी आत्मा को नहीं जान सकता तो मैं उस परमात्मा को कितना जानूंगा, ये स्ट्रक्चर हो गया। तो जब आप बोलते हैं नरसिंह गायत्री, तो नरसिंह गायत्री का मतलब है कि आज तक नरसिंह भगवान पर जिस व्यक्ति ने जितना भी जाना हो, जब से ब्रह्मांड बना और आज तक, तो नरसिंह गायत्री बोलते ही वो उसकी ज्ञात डोमेन हो जाती है। जो कोई भी जान पाया, ईश्वर मुझे थोड़ी सी प्रतिभा और देना ताकि मैं आपको जो कुछ भी आज तक जाना गया उससे थोड़ा सा और ज्यादा जान पाऊं, ये हमारा गायत्री का उद्देश्य था। ताकि हम किसी भी अवस्था में ये ना कहें ये जो भृगु का श्राप जिसको हम कह रहे हैं, जो ब्राह्मण सारे ध्यान कर रहे हैं, वो सिर्फ यही है कि जब कोई ब्राह्मण ये बोलता है मैं जानता हूं ये मंत्र क्या है, तो वो अज्ञान हो गया।
मंत्र आप नहीं जान सकते, मंत्र की शक्ति असीमित होती है। आप ये कह सकते हो कि ज्ञात डोमेन में आज तक इतने चमत्कार हुए, इसलिए मैंने सबसे पहले हीलिंग का बेसिस बताया कि संजीवनी शुरू कहां से हुई, एक मृत व्यक्ति को चुटकी बजा के, और एक मृत व्यक्ति नहीं, कई करोड़ वानर ऋक्ष और वो थे रामचंद्र जी की सेना में, उनको सिर्फ एक बार मंत्र पढ़ के हम वो जो संजीवनी विद्या उन्होंने प्रेषित करी, तो वो सारे के सारे जो है वो जाग कर खड़े हो गए, जिनका शरीर नष्ट हो गया वो भी खड़े हो जाए, ये संजीवनी विद्या थी। संजीवनी विद्या ये थोड़ी है जो मैं कर रहा हूं कि जरा सा मंत्र बोला, ऊर्जा उठा के इधर से उधर डाली और व्यक्ति के रोग थोड़े से कम हो गए, ये थोड़ी है संजीवनी। संजीवनी तो बहुत बड़ी चीज है, हम उसका 1% भी कर जाए तो सारी दुनिया ब्राह्मणों के पैरों में पड़ी होगी। डॉक्टर के दुकान बंद हो जाती। होगी सर, अगले 1 साल में ही होगी, 31 दिसंबर 2025 ही डिफाइन कर रखी है डेट, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें अगर जो आपने मेरा प्रॉपर रास्ता जो है उस ईश्वर का प्रदत्त है तो वो होगा भी, भले ही चाहे 1 घंटे को हो जाए वो एक अलग बात है, लेकिन होगा जरूर। अब आते हैं, गायत्री जो है वो फेमिनाइन आइडेंटिटी है, तो गायत्री के साथ मैस्कुलाइन आइडेंटिटी कौन सी है? तो हमारे यहाँ सब जगह जो एंटिटी का डिस्क्रिप्शन जो है वो महामृत्युंजय मंत्र मिला मुझे, ह्रौं जुं सः, ओम जुम सके। ठीक है? तो जब मैंने उस ह्रौं जुं सः को आइडेंटिफाई करा, तो नॉर्मली जैसे मैं महामृत्युंजय मंत्र को अगर देखूंगा तो ह्रौं जुं सः ये एक पार्ट हो गया, जो 3 बीज मंत्र लगते हैं महामृत्युंजय मंत्र में। फिर त्र्यंबकम था, तो ब की बजाय मैंने व करा, क की बजाय क्ष करा, त्र्यंबकम, जबकि वहां लिखा हुआ है त्र्यंबकम लिखा है, उत्तरा नहीं वो त्रि मिला, मेरे जो स्कैनिंग और अप्रोच थी उसके हिसाब से वो त्रि मिला, त्र्यंबकम। यज्ञामहे, यजामहे नहीं था वो, यज्ञामहे था, ठीक है जी? सेकंड हो गया, सा को श करता हूं, ये तो है ही है मेरा जो चेंज ओवर है। शुवंधिम, सुगंधिम नहीं था, शुवंधिम था। शुवंधिम पुष्टिवर्धनम, उर्वा रुकमिव वंधनान नृत्योर मुक्षिये माम मृतात, ये मंत्र मुझे समझ में आया। अब ये इसके एक एक स्टेप को अगर बात करेंगे तो वो हम, मैं थोड़ा देर के लिए पर्पस से डेविल कर, भले चाहे कल ये टॉपिक हम दोबारा ले लें, पर पहले मैं अपना अभी तक का पार्ट को कंक्लूड कर लेता हूं। तो जब मैंने ये गायत्री मंत्र में चेंज करे, तत् सवितुर वरेण्यम, इसको भी इसलिए करा क्योंकि भू भुवस्व वॉज नॉट पार्ट ऑफ गायत्री मंत्र, तो एक मेरे पास में टेक्स्ट था जो गायत्री के प्रत्येक अक्षर, तो 24 अक्षरों से गायत्री मंत्र बना था, ये डिस्क्राइब कर रहा था, तो उसमें तत् सवितुर वरेण्यम से उसने शुरू करा था, भू भुवस्व नहीं था, तो किसी ने भू भुवस्वा को बीज मंत्र कह के सामने रखा, तो गायत्री मंत्र का जो स्वरूप था वो कैसे था, ये ज्ञत तशक्ष्विनी, ये ऐसे करके ओम की बजाय ये आ रहा था, ज्ञत्र लक्ष्मी, महालक्ष्मी का ज्ञात स्वरूप, महासरस्वती का ज्ञात स्वरूप और महासती का ज्ञात स्वरूप, महासती या महाकाली, तो महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, आज तक हम केवल इतना जानते हैं, पर हम उनको जो जानते हैं उसमें हर एक जगह ज्ञत बीज मंत्र लगा दिया मैंने, ज्ञत्र बीज मंत्र। तो जैसे मैंने लिखा लक्ष्मी, तो अब उसमें ज्ञत्र जुड़ने पर वो क्या बन गया, ज्ञत लक्ष मृ, ये बन गया ज्ञत लक्ष्मी। अब ये ऊपर एक्चुअली जो टेक्स्ट टाइप मैंने करा है, इसमें हमारा जो संस्कृत का कीबोर्ड जो है उसकी लिमिटेशन की वजह से ये ऐसा आ रहा है, बट ये एक्चुअली ऐसे लिखा जा रहा है, ज्ञत लक्ष्मी। ठीक है,
नेक्स्ट लिखूं? दूसरा पार्ट हो गया, लक्ष्मी के बाद आता है सरस्वती, तो यत त्वम यत त्वम श्री। ये महासरस्वती के लिए हो गया, र और त जो है ऑलरेडी आ गया, तो रिपीटिशन नहीं होता बीज मंत्र बनाने में, इसलिए ये इस प्रकार से आ गया, यत त्वम श्री। फिर नेक्स्ट था यत तम शी। ठीक है जी, सॉरी श्री। ये हो गया महा सती के लिए, यत्तम श्री। अब जब इस प्रकार से हमने करा तो ये मेरे तीन बीज मंत्र बन गए, भू भुव स्व की जगह, भू भुव स्व की जगह हमने ज्ञात डोमेन में महालक्ष्मी, महाकाली और महासती, इन तीन डाइटीज को लिखा। फिर हम आते हैं महामृत्युंजय मंत्र में। गत्वमसी की जगह गत्वमश्री हो जाएगा ना, ओ जी आज जी गत्वमसी। तो जहां भी रा आएगा वहां पर ऊपर डबल मात्रा जुड़ जाती है, तो ये एक्चुअली ये तीनों मंत्र जो लक्ष्मी जो है उसमें र नहीं है, सरस्वती में र है और तमसी में र नहीं है, तो वो जुड़ जाते हैं, तीनों के तीनों र डोमेन से जुड़ जाते हैं। र जो है जब मैं यूज करता हूं तो मैं एक तो इस तरह से जो नीचे र लगता है उसको करता हूं, जैसे मान लीजिए मैं श लिखा मैंने शरा, तो ये शरा में नीचे र लगता है, ये एक र हो गया और ऊपर एक में र जो है वो ऊपर लग गया। तो जल जो है अगर मुझे उसको कंप्लीट डोमेन में समझना है तो मैं जल को समझूंगा, वो जल जो जमीन के नीचे से ऊपर आता है और वो जल जो ऊपर से वर्षा होती है, तब मुझे जल का संपूर्ण स्वरूप पता चलता है। तो जब मैंने ये र की मात्रा को लगाया तो र की मात्रा को ऊपर नीचे लगाने से मेरा सिस्टम जो है वो बहुत स्ट्रांग हो गया, मेरा वाटर बॉडी जो है वो जैसे ही स्ट्रांग होगा, अब इससे इसी एक टर्म में दो वर्ड के मीनिंग आते हैं, एक आता है रक्ष, दूसरा टर्म होता है रक्ष, सॉरी दूसरा इसका अप्रोच होता है। तो शर और रक्ष दो डोमेन जो है वो आती हैं, तो जब मैंने ये समझ में आया कि वाटर बॉडी का क्या इम्पैक्ट है, तब मैंने टर्म बनाई श और क्ष, आधा क्ष और आधा ये क्षत्रिय वाला क्ष, और एक रा नीचे लगाया और एक रा ऊपर लगाया, इसके बाद मेरा श्रीम बीज में ट्रांसफॉर्मेशन बना। तो श्रीम जो है वो दो मंत्र के रस को दे रहा था, एक वो रस दे रहा था मुझे मीनिंग और एक मीनिंग मुझे वो दे रहा था रक्ष। अच्छा तो जो मुझे ये दोनों चीज देता है, मेरे शरीर को रस को जागृत करता है और रक्षा करता है, वो जो है वो वाटर की प्योर डोमेन है। अब यही चीज लिम्फेटिक सिस्टम जब हम पढ़ते हैं अपनी बॉडी में, लिम्फेटिक सिस्टम इज नथिंग बट आर वाटर बॉडी, स्वादिष्ठान चक्र से ही है। जब भी किसी व्यक्ति के स्वादिष्ठान चक्र में गड़बड़ होगी उसका लिम्फेटिक सिस्टम डिस्टर्ब होगा, लिम्फेटिक सिस्टम डिस्टर्ब होने पर कैंसर होगा, ये बाय डिफॉल्ट स्ट्रक्चर हो गया। मैं मेरी बात समझा पाया हाँ शुक्ला जी? मैं समझा पाया ना मेरी बात? अब कि नहीं, वो उन्होंने म्यूट कर रखा है ना, तो उन्होंने सर हिला दिया तो पता चल गया। अब जब मैंने ये वाला पूरा पार्ट देखा तो मुझे ये स्ट्रक्चर में क्लैरिटी हो गई कि मेरे बीज मंत्र में मैं ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लेकर चलूंगा। तो मैंने सबसे पहले, अब ये हो गया मृत्युंजय का जो पहला अक्षर था वो था ह्रौम,
रोम में जब मैंने अब रा तो स्टडी कर लिया, औ की मात्रा जब स्टडी करी तो औ की मात्रा आकर्षण बीज थी रोम। तो रोम में मैंने क्या करा, तोषणी लक्ष्मी सत्य शो इन सबको जोड़कर एक बीज मंत्र बना दिया, तो महल्य यशक्ष रो। जब ये वाला बीज मंत्र बना, इसके बाद मैंने इसको तो ह्रोम से रिप्लेस करा। फिर जो जूम जो था, तो मेरा जब एक दफे ध्यान गया जूम के ऊपर, तो मैंने कह रही जूम से तो कोई चीज निकल ही नहीं रही है, तो इसको मैंने करा अंजूम या और ज। अब ये अंजूम बीज जब मैं एक दफे मेरा ध्यान गया, हनुमान जी की जो माता जो थी अंजना देवी, अंजना में ये वाला य और ज आता था, तो मैंने कहा अंजना देवी की क्या विशेषता है। हनुमान हमारे क्या होता है, हर जगह हनुमान जी के मंदिर है, कोई केसरी और अंजना देवी की तो बात ही नहीं करता। अंजना देवी वो प्रथम महिला थी जिन्होंने इस बात को धारण करा कि मुझे किसी भी अवस्था में अपने पुत्र की मृत्यु न देखनी पड़े। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं? हाँ अंजना देवी वो देवी थी जिन्होंने एक ऐसे संतान की इच्छा करी जो कभी मृत्यु को न प्राप्त हो। इसलिए राम कभी भी चले जाएं, प्रकट हो अप्रकट हो, लेकिन वायु रूपी हनुमान हमेशा प्रकट रहते हैं और वो हमेशा जीवित है। और बहुत सारी जगह ये डिस्क्रिप्शन है कि उन्होंने बोला है कि जब जब राम किसी भी रूप में आएंगे तो मैं वहां पर जरूर मौजूद हूंगा। तो राम या विष्णु के अवतार प्राइमरीली उनका डिपिक्शन जो है वो प्राण स्वरूप है, और प्राण जो है वो वायु के ऊपर चलती है, इसलिए वायु स्वरूप हनुमान है। तो जो हमारे वायु तत्व को अमृत प्रदान कर रहा है वो अंजना देवी हैं, जिन्होंने उनको एक संकल्प के तौर पे रखा कि कभी मृत्यु ना देखनी पड़े। यहां से ये अंजुम बीज आया। ठीक है जी, यहां से ये जी अंजुम बीज आया। तो रोम की जगह हमने तो अंजू महल्य यशक्षरों कर दिया। तो अब मैंने जब इसको लिखा तो मैंने इसको कैसे लिखा, और क्योंकि मैं हर चीज में तो श और क्ष जोड़ देता हूं, तो श श य और ज, उसमें ऊ की मात्रा, ये संजूम जो है वो बीज मंत्र बन गया संजीवनी का। संजीवनी को मैं स को श कर दूं तो संजीवनी जैसे लिखूंगा ये बिल्कुल उस तरह से बनता है। इस मंत्र की आप एनर्जी देखिए, ये बिल्कुल लाइफ फोर्स को वाइब्रेट करती है। सही है डॉक्टर। तो इस प्रकार से ये वाला बीज मंत्र चेंज हुआ। फिर नेक्स्ट बीज मंत्र पे आते हैं, वो है ह्रोम जूम सा। सा का जब मैंने देखा था तो वो मुझे श श व औ की मात्रा और विसर्ग। तो जब मैं ये मंत्र चिकित्सा वगैरह पढ़ रहा था तो जो तंत्रास तंत्र है उसमें एक जगह आया मंत्र योग करके चैप्टर था, और वहां पर क्या लिखा हुआ था कि जो मंत्र है उसके कैटेगरीज थी। एक अक्षर के मंत्र को कहते थे पिंड मंत्र, दो अक्षर के मंत्र को कहते थे कर्तरी मंत्र, तीन अक्षर 3 से 9 अक्षर के मंत्र को कहते थे बीज मंत्र, 10 से 20 अक्षर के मंत्र को कहते थे मंत्र, और 20 से ज्यादा अक्षरों को कहते थे माला मंत्र। वांट तो मैं वो तंत्रास तंत्र के पेजेस भी शेयर कर दूंगा स्कैन करके कि कौन से पेज पे ये लिखा हुआ है। अब जब मुझे ये पता चल गया कि 3 से 9 अल्फाबेट होने चाहिए,
तो जो एक अक्षर है और दो अक्षर जो है उसके बीच का डिफरेंस चेंज हो जाएगा ना। बिल्कुल जब मुझे ये पता चला कि बीज मंत्र जो है वो 3 से 9 अक्षरों का है और मेरे सामने ह्रौं जुं सः आया मंत्र, तो उसमें 3 अक्षर थे ही नहीं। और जब 3 नहीं थे तो जो लोग, देखिए महामृत्युंजय मंत्र ऐसा है जिसके घर में भी किसी की तबीयत वबीयत खराब होती है वो तुरंत ब्राह्मण को बुलाता है और महामृत्युंजय के जाप रखवा देता है, बट वो जाप रखने से कभी किसी का भला नहीं होता, देखा मैंने। सही बात है। तो इसका मतलब कि थ्योरी में छेड़छाड़ हुई, तो मैं इसलिए थ्योरी को करेक्ट कर रहा हूं। अब मैंने क्या देखा, जो क्रिएशन है वो कब होगी, वो क्रिएशन तब होगी जब मैं, अच्छा एक पॉइंट और रह गया, तो गायत्री मंत्र में मैंने जो चेंज करा वो स की जगह श कर दिया तो सवितुर्वरेण्यम हो गया। भर्गो टर्म, भग टर्म जो थी वो नहीं थी, भग सूर्य को कहते थे वो भग नहीं था, वो टर्म थी शर्व, तो भर्गो की बजाय शर्वो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात। तो जब आप ऊपर वाले गायत्री मंत्र को स्कैन करके अपने उसमें जब आप डालेंगे, देखेंगे अपने भीतर चेंज, तो वो श्वास की जो गति है वो उससे कनेक्ट करता है, और श्वास के भीतर एक अमृत तत्व है वो मृत्युंजय मंत्र करता है। तो जब, तो मैंने क्या करा, एक अक्षर लिया गायत्री मंत्र का, एक अक्षर लिया महामृत्युंजय मंत्र का। तो मैं अगर अपने मम्मी पापा को इमेजिन करूंगा तो कैसे, वो एक दूसरे को हग कर रहे हैं, तो जब उनको मैं हग करते हुए इमेजिन करूंगा तभी मुझे वो चीज पता चलेगी। तो गायत्री और महामृत्युंजय के एक एक अक्षर को मैंने नीचे गायत्री महामृत्युंजय मंत्र बनाते हुए एक एक अक्षर को हग करा दिया, एक अक्षर गायत्री मंत्र, एक अक्षर महामृत्युंजय। तो पहला अक्षर लिया मैंने गायत्री मंत्र से, बिकॉज हर जगह हमारे यहाँ जो है सीताराम बोला जाता है, तो पहले फेमिनाइन डोमेन से एक अक्षर लिया, फिर मैस्कुलाइन से एक लिया। इस प्रकार मैंने ऊपर से नीचे गायत्री महामृत्युंजय को मंत्र मर्ज करके ज्ञत्र लक्ष्मी त्वमहल्य यशक्षरो ज्ञत्वम श्री शंजुम ज्ञत्रमसि शौ तच्छवितुर्वरेण्यम त्रियम वक्षम सर्वो यज्ञामये देवस्य सुवंदिम धीमहि पुष्टिवर्धनम धियो उर्वारुकमिवियो वंदनान नाह मृत्युर्मोक्षे प्रचोदयात मामृतात स्वाहा। अब आप लोग क्या करिए, 2 मिनट के लिए आंखें बंद करिए और अपने ध्यान को नाक से नाभि तक और नाभि से नाक तक फोकस करना है। अब मैं इसको बोलता हूं और आप अपने भीतर उसको ऑब्जर्व करेंगे क्या हो रहा है। आपकी सारी अटेंशन आपकी सोल सीट जो नाक के पीछे दोनों कानों के बीच में, उस पॉइंट से लेकर और जिस पॉइंट पर आपका जो नेवल चक्रा है उस पे, उसको जो है आपने ऑब्जर्व करना है। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूं। जी डॉक्टर। पहले गायत्री मंत्र बोलूंगा मैं, यत लक्ष्मी यत्वम श्री यत्वम श्री तत्सवितुर्वरेण्यम सर्वो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात। मेरे भीतर जो श्वास को ऊर्जा प्रदान कर रहा है उस शक्ति को ध्यान करेंगे जो इस श्वास लेने की गति को रिदम में डालता है, उसको छंद में बनाता है, और प्रत्येक छंद में जाने पर जो श्वास में शरीर के प्रत्येक अंग को ऊर्जा दी जाती है, वो ऊर्जा की अधिष्ठात्री गायत्री माँ मेरे भीतर जागृत हो। इस श्वास में जो अमृत स्वरूप महामृत्युंजय जो मेरे गले में अमृत को धारण कर रहे हैं, विष को रोक रहे हैं, त्वमहल्य शक्षरों संजूम शोत्रयम वक्षम यज्ञामहे सुवंदिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान मृत्योर्मुक्षीयम मामृतात। अब
अर्धनारीश्वर की तरह मैं गायत्री महामृत्युंजय को अपनी श्वास में महसूस करूंगा। यत् लक्ष्मी त्वम् अहल्य यशक्षरौ यत् त्वम् श्री शंजुम यत्रमसि श्वः तच्छवितुर्वरेण्यं त्रियं वक्षं सर्वो यज्ञामये देवस्य सुवन्दिं धीमहि पुष्टिवर्धनं धियो उर्वारुकमिव यो वन्दनान् नः मृत्युर्मुक्षे प्रचोदयात् मामृतात् स्वाहा। यत् लक्ष्मी त्वम् अहल्य यशक्षरौ यत् त्वम् श्री शंजुम यत्मश्री श्वः तच्छवितुर्वरेण्यं त्रियं वक्षं सर्वो यज्ञामहे देवस्य सुवन्दिं धीमहि पुष्टिवर्धनं धियो उर्वारुकमिव यो वन्दनान् न मृत्युर्मुक्षये प्रचोदयात् मामृतात् स्वाहा। यत् लक्ष्मी त्वम् अहल्य यशक्षरौ यत् त्वम् श्री शंजुम यत्रमसि श्वः तच्छवितुर्वरेण्यं त्रियं वक्षं सर्वो यज्ञामहे देवस्य सुवन्दिं धीमहि पुष्टिवर्धनं धियो उर्वारुकमिव यो वन्दनान् न मृत्युर्मुक्षये प्रचोदयात् मामृतात् स्वाहा। यत् लक्ष्मी त्वम् अहल्य यशक्षरौ यत् त्वम् श्री शंजुम यत्रमसि यत्तम श्री श्वतच्छवितुर्वरेण्यं त्रियं वक्षं सर्वो यज्ञामहे देवस्य सुवन्दिं धीमहि पुष्टिवर्धनं धियो उर्वारुकमिव यो वन्दना न मृत्युर्मुक्षीय प्रचोदयात् मामृतात् स्वाहा। यत् लक्ष्मी त्वम् अहल्य यशक्षरौ यत् त्वम् श्री शंजुम यत्मश्री श्वतच्छवितुर्वरेण्यं त्रियं वक्षं सर्वो यज्ञामहे देवस्य सुवन्दिं धीमहि पुष्टिवर्धनं धियो उर्वारुकमिव यो वन्दना न मृत्युर्मुक्षे प्रचोदयात् मामृतात् स्वाहा। यत् लक्ष्मी त्वम् अहल्य यशक्षरौ यत् त्वम् श्री शंजुम यत्रमसि श्वः तच्छवितुर्वरेण्यं त्रियं वक्षं यः सर्वो यज्ञामहे देवस्य सुवन्दिं धीमहि पुष्टिवर्धनं धियो उर्वारुकमिव यो वन्दना न मृत्युर्मुक्षे प्रचोदयात् मामृतात् स्वाहा। यत् लक्ष्मी त्वम् अहल्य यशक्षरौ यत् त्वम् श्री शंजुम यत्तमश्री श्वः तच्छवितुर्वरेण्यं त्रियं वक्षं सर्वो यज्ञामहे देवस्य सुवन्दिं धीमहि पुष्टिवर्धनं धियो उर्वारुकमिव यो वन्दना नः मृत्युर्मुक्षे प्रचोदयात् मामृतात् स्वाहा। यत् लक्ष्मी त्वम् अहल्य यशक्षरौ यत् त्वम् श्री शंजुम यत्तम श्री श्वः तच्छवितुर्वरेण्यं त्रियं वक्षं सर्वो यज्ञामहे देवस्य सुवन्दिं धीमहि पुष्टिवर्धनं धियो उर्वारुकमिव यो वन्दना न मृत्युर्मुक्षे प्रचोदयात् मामृतात् स्वाहा। हमें ब्राह्मण बनाने वाली गायत्री और हमारे जीवन का उद्देश्य अपने भीतर अमृत को जागृत करना और उस अमृत से इस वसुधा का पोषण करना, ये दोनों श्वास के माध्यम से हमारे भीतर जागृत हुए। हम आभारी हैं विश्वामित्र जी के जो स्वयं प्राण स्वरूप हैं, वशिष्ठ जी के जिन्होंने प्राणों के संचालन के द्वारा शरीर की विशेषताओं को धारण करा, जिससे उन्हें वैशिष्ट्य से वशिष्ठ टाइटल मिला। हम आभारी हैं बृहस्पति जी के, शुक्राचार्य जी के और ब्रह्मा जी के। इन पांच लोगों ने ही गायत्री को शापित किया था। उन पांचों को नाम लेने से उस शाप से विमोचन होता है और हमारे को गायत्री महामृत्युंजय दोनों के सम्मिलित स्वरूप को अपने भीतर जागृत करने से संजीवनी शक्ति प्राप्त होती है। वह संजीवनी भविष्य में हमें समस्त व्यक्तियों को जो भारत में रहते हैं,
जो मन से भारतीय हैं और भारत की संस्कृति में जो अपनी श्रद्धा रखते हैं, उन सबको संजीवन करने की ईश्वर हमें शक्ति प्रदान करे, ऐसी हमारी प्रार्थना है। हम इस विश्व को ये मंत्र चिकित्सा और इसके चमत्कार करके दिखा सके, ऐसी ईश्वर हमें शक्ति प्रदान करे। अपने दोनों हाथों को रख करके अपनी आंखों से लगाएंगे। जी सर, ब्रेथ हैज बिकम वेरी सटल। So if I keep my hand, I don't feel the breath, basically. राइट। Okay, first sign that you notice. And then you could really go very deep into your ध्यान और व्हाटएवर यू डूइंग। मैं एक चीज पूछना चाहता, जब हम संध्या वंदनम करते हैं गुरु जी, जब हम 108, 34 और 54 करते हैं, तो ये मंत्र यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ द रेगुलर गायत्री मंत्र हाँ, कर जो सकते ओम हैं करने में, तो ये तो बहुत पावरफुल मंत्र है ये। पूर्व। वी कैन यूज द गायत्री महामृत्युंजय मंत्र इंस्टेड ऑफ द रेगुलर गायत्री मंत्र। यस, वी कैन डू दैट। इनफैक्ट ओरिजिनल फॉर्म ऐसी ही होगी, ओरिजिनल ये ऐसे ही अलग होनी अलग तो बाद चाहिए, में, वो अलग अलग तो बाद में किसी ने करा होगा। बिकॉज वो तो गायत्री मंत्र को सावित्री मंत्र बना दिया, सवित्री मंत्र बना दिया था उन लोगों ने। बिकॉज मेरे को ये बहुत दिन से मेरे को इच्छा थी, एक्चुअली मेरी अंदर में थी कि वन शुड हैव द रियल गायत्री मंत्र रादर देन व्हाट इज बीइंग गिवन, जो हमें बचपन से बोला जा रहा है कि इसको करो, बचपन से करते आ रहे करते आ रहे करते आ रहे, कहीं तो कुछ कोई कोई तो 30 30 40 साल से करते आ रहे, लेकिन वो जिंदगी वैसी उनकी वैसी है। मैं बोला अगर हाँ, तो गायत्री, मैंने कल हाथ से लिखा है, क्योंकि वो मात्रा लगाने का और उसका तरीका ना, वो टाइप से नहीं आ रहा था, मैंने हाथ से लिखा। मैं थोड़ी देर में वो फोटो शेयर कर दूंगा। बिकॉज मैंने बहुत बार पूछा था आप इतना 30 साल से कर रहे हो, सो मल्टीप्लाई, बिकॉज जिस जिस दिन वो जनेऊ चेंज करने का उस दिन 1008 करते हैं, इसके बाद रेगुलरली अगर आप 108, 32 एंड 54, 64 करते हो, तो एक दिन में आप यू आर डूइंग 200, सो 30 इयर्स इनटू 365 मंत्र तो सिद्ध हो जाना चाहिए, बिकॉज दिस इज अ नॉर्मल। अगर आप 30 लाख करते हो तो ऑलरेडी द मंत्र तो सिद्ध हो जाना चाहिए। इट मीन्स वॉट एवर यू से, वॉट एवर यू प्रेडिक्ट, आप शुद्धि तो हो जानी चाहिए, बिकॉज इतना, एब्सोल्युटली लेकिन किसी को तो हुआ नहीं। मैं यही पूछ रहा था कि आइदर वी आर नॉट डूइंग द करेक्ट मंत्र और जस्ट दे हैव जस्ट हिडन इट फ्रॉम ऑब्लिवियन में चला गया। मैंने तो सर पता है इसको कैसे सोचा था। अच्छा, पहले मैं शुक्ला जी का फीडबैक ले लूं, फिर मैं अपनी बात बोलूंगा। जी शुक्ला जी, आज तो पूरा शरीर गोल्डन कलर का हो गया था और श्वास की जो रिदम थी, अंदर जा रही थी बाहर आ रही थी, वो भी एकदम साफ महसूस हो रही थी कि कोई चैनल ऊपर से नीचे एनर्जी लेके जा रहा है नाभि तक और फिर वहां से वापस आ रहा है मैं क्या करूंगा ना, एकदम। आज का जो हमारा डिस्कशन का सिर्फ ये मेडिटेशन वाला पार्ट जो है, इसको एक वीडियो को अलग क्लिप बना दूंगा, सो दैट कि कुछ दिन जब आप इस पे मेडिटेट करेंगे रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद में, और आपको कुछ नहीं करना है, मैक्सिमम 9 बार ये लिखने के हिसाब से रख लीजिए, ताकि आपका 108 बार लिखा हुआ जो है, मतलब 12 नहीं 108, 12 दिन में आप 108 बार लिख लेते हैं,
तो जो 108 बार जो लिखा है, बस आपको उसके बाद में क्या करना है, उसकी ऊर्जा को उठाकर अपने भीतर डालते जाना है। एक बार जब भी आपका 108 बार, मैंने पता है इसको कैसे विजुलाइज करा था, हमारे देश के जितने भी मंदिर या हमारे देश के जितने भी अस्पताल हैं, वहां पर जो है जितनी देर पेशेंट के लिए वे पेशेंट मतलब जो लोग अटेंडेंट्स हैं वो पेशेंट का वेट कर रहे हैं, वहां पर ये लाल रंग के पेन अवेलेबल हो और लोग जो है वो मंत्र लिखें उतनी देर ये वाला, और वो रेपोजिटरी मतलब जब वो वहां से उठे तो एक जगह एक बॉक्स ऐसा बना दें जिसमें कि जितना उन्होंने लिखा है वो वहां पर डालना शुरू कर दें, तो उस जगह कोई भी पेशेंट मरेगा नहीं। एक काम कर सकते हैं डॉक्टर, अगर आप भेज देंगे तो वी कैन मेक अ प्लाकार्ड एंड पुट इट इन द जो हमारे जो जान पहचान के हॉस्पिटल है वहां बोल देंगे कि प्लीज राइट दिस, जो भी आते हैं उनको बोलते हैं आप लिखो इसको 9 टाइम्स एंड देन पुट इट इन द डिपोजिटरी बॉक्स एंड देन एक जब एक पर्टिकुलर लाख करोड़ जब भी इकट्ठा हो जाएगा तो हम उसकी जो भी करना है उसको कर देंगे. वी कैन प्लेस इट एंड पुट an idol of Gayatri and place it under the Gayatri so it becomes all the more powerful basically. राइट तो वो जो है मैं वो शेयर कर दूंगा आपके साथ मुझे जरूर, कि अगर ये मैं शेयर कर दूंगा। किसी को देना चाहते जिसके घर पे तो ये मंत्र दे सकते हैं. हाँ 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 देखिए मंत्र में ये सारी रेस्ट्रिक्शन है ही नहीं, ये रेस्ट्रिक्शंस होने की वजह से जो इसकी पेस थी प्रॉस्पर करने की वो पेस ही ऑब्स्ट्रक्ट हो गई। Because this will then spread faster than what we think. Some because there are people who call us say they say my father is seriously ill. My this thing is in ICU. कुछ pray करो आप. तो एटलीस्ट उनको बोलेंगे आप भी करो, हम भी करेंगे, आप भी करो. हाँ तो आप जैसे आपने क्या करा, अपने वहां पर कुछ ब्राह्मण्स को इकट्ठा करा, पांच हाँ सात नौ ब्राह्मण्स को इकट्ठा करा और आपने इस मंत्र को अपने सामने अच्छी तरह उनसे लिखवाया और लिखवाने के बाद उनको बोला कि इसको इस ऑर्डर में चैंट करिए, और वो चैंटिंग आपने रिकॉर्ड कर ली। अब वो चैंटिंग रिकॉर्ड होने का जो वो वीडियो फाइल होगा उसको जितना मर्जी सर्कुलेट कर लीजिए। ठीक है. जैसे मैं अभी इसका जो है वो चैंट जो भी मैंने 8-9 बार बोला, तो मैंने उसको इसी टारगेट से बोला कि आपके भीतर वो चक्रास और वो कमांड जो है वो इन्वोक हो जाए थ्रू दिस गाइडेड मेडिटेशन। तो सेम अप्रोच में जो है वो आप पूरे प्रोसेस को करवा सकते हैं एंड इट विल बी डन। तो हमारे यहाँ जहां जहां भी ये प्रक्रिया, चाहे वो मंदिर हो चाहे वो हॉस्पिटल हो, जहां कहीं भी कोई व्यक्ति जो है उसके हेल्थ इश्यूज है, तो वो ऑडियो फाइल लगातार वो प्ले कर ले। तो जैसे उसी पार्ट को, उस वीडियो क्लिपिंग को मैं एक रील बना दूं, तो रील आपने फेसबुक पे ऑन कर दी तो वो प्ले ही होती रहेगी ना लगातार। सही है. तो वो रील जो है वो जितना वो उसके तौर पे सर्कुलेट होगा हर जगह, वो लाइफ सेविंग के तौर पे स्टार्ट हो जाएगा प्रोसेस। तो द इजी अप्रोच टू कनेक्ट संजीवनी विद एवरीवन। थैंक यू डॉक्टर, ठीक है जी, लाइफ सेविंग औषधि आपने आज हमें प्रदान कर दी. ये इसको थोड़ा सा कल और करेंगे ये, ठीक, मतलब विल मेक अ नोट, क्योंकि अभी हम उस पार्ट पे नहीं आए, क्योंकि मैं संजीवनी पे जितना पार्ट एड्रेस करना चाह रहा था वो मैं कल कर दूंगा। ठीक है।